हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी विषय में हमारे जो अभी चल रहे हैं जीनी व्यतिक्रम द्वारा होने वाले रोग, यानी जो हमारे डिसऑर्डर हैं, आनुवंशिक विकार हैं, वो भी जीन के द्वारा होने वाले चल रहे हैं। तो उन्हीं क्रम में आपको मैंने इसके पहले कुछ डिसऑर्डर करवा चुका हूँ, जैसे फिनाइल क्यूटोनेरिया, स्किल सेल एनीमिया और रंजकहीनता और कीटोन्यूरिया। इसी क्रम में आज हमारा अगला डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया। ये आपका पांचवा डिसऑर्डर है, ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को इंग्लिश में थैलेसीमिया ही कहते हैं, और थैलेसीमिया जो रोग है ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, यानी अप्रभावी रोग है। ऑटोसोमल यानी ऐसे जीन्स के कारण होता है जो अप्रभावी होते हैं। आपको अभी तक बताते आए हैं जितने भी हमारे डिसऑर्डर हैं, जीनी व्यतिक्रम द्वारा होने वाले डिसऑर्डर हैं, वो सभी अप्रभावी जीन के कारण ही होते हैं। यानी इसका सबसे बड़ा कारण, यानी जो कारण है मुख्यतः, वो अप्रभावी जीन ही है। तो यहाँ भी अप्रभावी जीन है, तो देखते हैं क्या है। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। कैसा रोग है? अप्रभावी रोग है। यह है रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार समूह है जिससे हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है। यानी थैलेसीमिया का जो कारण है वो सबसे मुख्यतः कारण जो है अप्रभावी रोग है। अप्रभावी रोग के साथ ये रक्त से संबंधित रोग है, क्योंकि हमें पता है कि रक्त का एक भाग हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसका उत्पादन प्रभावित हो जाता है, और हीमोग्लोबिन में आनुवंशिक विकार आ जाता है। एक लाइन लिखी गई है, यह रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार समूह है। यानी कि जो थैलेसीमिया है, इस कारण रक्त में आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाता है, और कई तरीके से ये विकार उत्पन्न होते हैं। अलग अलग विकार से अलग अलग यानी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो कई विकार होने के कारण, कई लक्षण उत्पन्न होने के कारण रुधिर में इसे समूह कहा गया है, यानी आनुवंशिक विकार समूह है, जेनेटिक डिसऑर्डर ग्रुप कहा जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन उत्पादन प्रभावित होता है। तो हमें ये याद रखना है कि थैलेसीमिया रोग अप्रभावी जीन के कारण होता है, और इस रोग के होने की स्थिति में हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है, और रुधिर में आनुवंशिक विकार संबंधी समूह उत्पन्न हो जाता है। यानी ये रुधिर से संबंधित रोग है थैलेसीमिया। तो अब देखिए इसका कारण क्या है, थैलेसीमिया किस कारण होता है। कारण और लक्षण दोनों पता होने चाहिए कि इस थैलेसीमिया हो जाने पर क्या समस्या होगी, और कारण कि ये किस कारण से मनुष्यों में हो जाता है। तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन दो जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाओं से बना होता है। ये सामान्य स्थिति है, पहली लाइन की, ऐसा होता ही है कि जो मनुष्य में रक्त है, रक्त का एक भाग हीमोग्लोबिन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो दो जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाओं से बना होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किस प्रोटीन से बना होता है, तो आपको बताना होता है कि ये ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, किस प्रोटीन से बना होता है? ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो दो जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाओं से बना होता है, यानी जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके दो जोड़े होंगे, और उनकी चेन से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। क्योंकि किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव का जो निर्माण है वो कई अनेक छोटे छोटे कणों से होता है। तो प्रोटीन जो है ये भी ग्लोबिन बनाने में, यानी ग्लोबिन हीमोग्लोबिन को बनाने में जो है ग्लोबिन प्रोटीन के छोटे छोटे अणु यानी भाग लेते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन की प्रोटीन ग्लोबिन का निर्माण होता है।
या हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो अब समझ में आया कि हीमोग्लोबिन दो ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है और इन्हें अल्फा व बीटा श्रृंखलाएं कहते हैं। तो जो ये दो ग्लोबिन प्रोटीन हैं, यानी दो जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन हैं, इन्हें जो है एक जोड़े को अल्फा और एक जोड़े को बीटा श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम दिया गया है अल्फा और बीटा श्रृंखला कहा जाता है। इस रोग में अल्फा व बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण कम हो जाता है। तो आपको पता है कि दो जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाओं से हमारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और उन्हीं दो जोड़े जो ग्लोबिन प्रोटीन हैं, एक जोड़े को अल्फा और एक जोड़े को बीटा नाम दिया गया है। और जब थैलेसीमिया रोग हो जाता है किसी व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति के हीमोग्लोबिन में जो श्रृंखलाएं बनाने वाले अल्फा व बीटा चेन हैं, उनका संश्लेषण रुक जाता है, यानी अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का अनुपात व संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि आपको बताया है कि हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में हर एक रासायनिक और उपापचय क्रिया का एक बैलेंस्ड संतुलन होता है, और जैसे ये बैलेंस बिगड़ता है वैसे किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर विकार उत्पन्न हो जाता है। तो सभी के बीच, सभी क्रियाओं के बीच में एक समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना अति आवश्यक होता है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया में क्या होता है, आप पढ़ के आए हो कि थैलेसीमिया जो रोग है वो रुधिर से संबंधित रोग है। इस रोग में हीमोग्लोबिन में समस्या आ जाती है, हीमोग्लोबिन में विकार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रक्त का भाग होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो दो जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन की श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। और जो ये दो जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाएं होती हैं, उनको या उन श्रृंखलाओं को अल्फा बीटा श्रृंखलाएं कहा जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति थैलेसीमिया से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो उसके शरीर में जो ये अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं हैं उनका संश्लेषण कम हो जाता है। यानी अल्फा और बीटा का जब संश्लेषण होता है तभी हमारी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, यानी तभी हीमोग्लोबिन बनती है। तो जब अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं का संश्लेषण कम हो जाएगा तो उसका प्रभाव सीधा सा हीमोग्लोबिन पर पड़ता है। तो हीमोग्लोबिन का अनुपात, क्योंकि रुधिर में एक अनुपात होता है, रुधिर हमारा प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है, तो इन तीनों का जो है रुधिर में एक निश्चित अनुपात होता है। अगर किसी की भी मात्रा अधिक होती है या किसी की मात्रा बहुत कम होती है, तो किसी न किसी प्रकार का रुधिर के माध्यम से मनुष्य के शरीर में एक विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो हम जब यहाँ पर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो जब हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण कम हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव हीमोग्लोबिन पर पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन का क्या अनुपात व संतुलन दोनों में क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है, यानी अनुपात व संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति थैलेसीमिया से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि पहले ही हम लिख के आए हुए हैं ऊपर कि यह रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है, यानी ब्लड जेनेटिक डिसऑर्डर ग्रुप है, जिससे हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है। तो जब थैलेसीमिया होगी तो हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो सीधा सी बात है कि जब हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं हो पाएगा तो उससे देखिए क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। तो आपको पता है कि व्यक्ति में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब उससे रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। तो जब थैलेसीमिया हो जाता है, तो थैलेसीमिया में हमें सबसे जो है मेन सिम्टम्स बताया गया है कि इसके हीमोग्लोबिन में प्रभाव पड़ता है। तो हीमोग्लोबिन के प्रभाव के कारण देखिए एनीमिया होगी, और एनीमिया से भी कुछ अन्य लक्षण भी आ जाएंगे। त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होने के कारण हुई रक्ताल्पता यानी
एनीमिया, ठीक है, रक्ताल्पता। यहाँ पर ये रक्ताल्पता जो है एनीमिया के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये प्रयुक्त हुआ है कि खून की कमी के लिए। रक्त माने खून या रक्त, रुधिर, और अल्प माने उसकी कमी, कम मात्रा। तो जब त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है तो रक्ताल्पता थैलेसीमिया का प्रमुख लक्षण है, यानी तब खून की कमी के कारण थैलेसीमिया का प्रमुख लक्षण है कि रक्त की कमी हो जाएगी, यानी जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाएगा, अल्फा बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण कम होगा, तो सीधी सी बात है जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो खून की कमी हो जाएगी, यानी कि रक्ताल्पता हो जाएगा। इसके साथ इसे हीमोग्लोबिन एनीमिया कहते हैं, यानी जब खून की कमी होगी व्यक्ति में तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन एनीमिया। वैसे एनीमिया के कई सिम्टम्स होते हैं, कई लक्षण होते हैं। सीधी सी बात, एनीमिया को हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि खून की कमी, और यहाँ भी वही हीमोग्लोबिन एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन एनीमिया में यह आता है कि ऐसी एनीमिया होगी जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे कम होगी। और वैसे अगर हम नॉर्मल एनीमिया की बात करते हैं, सामान्य एनीमिया की बात करते हैं, तब वहाँ पर एनीमिया में रक्त आ जाता है। तो रक्त में तीनों आ जाते हैं रक्त के भाग, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, यानी तीनों भाग आते हैं। और जब हम हीमोग्लोबिन एनीमिया की बात करते हैं तो केवल केवल हीमोग्लोबिन की कमी होगी खून में, रक्त में, और एनीमिया का मतलब ही होता है कि खून की कमी। तो खून की कमी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। तो सब यानी इसका सबसे अच्छा, यानी सबसे पहला या सिम्टम्स यही है, सबसे मुख्य लक्षण यही है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के निर्माण ना होने के कारण, यानी त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होने के कारण रक्ताल्पता थैलेसीमिया का प्रमुख लक्षण है। यानी थैलेसीमिया में जो है सबसे ज़्यादा खून की कमी होगी और उसको हम हीमोग्लोबिन एनीमिया कहेंगे। इसके अन्य लक्षण भी हैं, तितली का बढ़ना, सांस फूलना तथा थकान भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जब व्यक्ति में खून की कमी होती है या व्यक्ति में जब थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन एनीमिया हो जाता है तो वो व्यक्ति में तितली भी बढ़ने लगती है। तितली पेट के भाग में, यहाँ पर तितली की एक संरचना होती है, वो संरचना आकार में बढ़ करके बड़ी हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभार दर्द भी होती है और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके साथ में थकान, आपको पता ही है क्या होता है, सांस फूलना, यानी जो है उस व्यक्ति को सांस में दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं सांस लेने में, या सांस जल्दी से फूलने लगती है किसी कार्य को करने के पश्चात। तो थैलेसीमिया से मुख्य लक्षण पहला ही था कि इससे हीमोग्लोबिन एनीमिया हो जाता है या रक्ताल्पता हो जाती है, ठीक है, एनीमिया हो जाती है। और इसके अलावा तिल्ली का बढ़ना, सांस फूलना, थकान आदि लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक थैलेसीमिया समाप्त होता है, और आप इसको बहुत ही अच्छे से फेयर कॉपी करना और पढ़ना।